खानदान के लोग लगते हैं, लेकिन वाह मोहब्बत अली, वाह शान अली और वाह फिक्र अली, फिक्र मुर्तजा तेरी क्या बात है कि तूने जब देखा कि मेरे मुस्तफा का कोई कुछ नहीं लगता, तो ऐ मुस्तफा जो तेरा कुछ नहीं लगता वो मेरा भी नहीं। सारे वलियों का सरदार मौलाए कायनात, और मुझे कहने दो कि इस उम्मत का नहीं, जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया है, औलादे आदम में नबियों की जितनी उम्मतें होती रही, अगर उनको वलायत मिली है तो वो मौला अली ने। यानी आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कोई और है, हम नहीं कहते, ये नक्शबंदियों के पीर कहते हैं, नक्शबंदियों के उलमा कहते हैं। काजी जो है अपने सराउल्ला पानीपति वो लिखते हैं और मुजद्दद अफसानी वो लिखते हैं, कहते हैं कि मौला कायनात तो वो जात है जो इस दुनिया में आने से पहले भी साबका वलियों को भी मलायत बांटती रही है, नबियों को नबूवत सरकार की बारगाह से मिलती रही है। फिर हम ये सोचने लगे कि नबी के मोजज़े उसकी उम्मत में करामत के तौर पर आते हैं, या अल्लाह नबी का तो ये मोजज़ा है कि वो इस दुनिया में आने से पहले नबियों को नबूवत बांटता रहा, अब नबूवत तो ऐसी चीज है नहीं जो दोबारा किसी को मिल सके। नबी पाक के साथ सामने इरशाद फरमाया कि मैं और अली एक रूह से, इमाम इब्न हजर मक्की सवाई को मौका उन्होंने ये बात बयान की, मैं और अली नूरे वायदा से, और मैं और अली लोग मुख्तलिफ शजरों से हैं, और मैं और अली एक ही शजर से, इसलिए कहा कि हमारा नूर एक, हमारा घर एक, बल्कि सरकार ने फरमाया दमों का दमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, और तेरा नूर मेरा नूर, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, एक है।